Hello friends, good afternoon. This is Dr. Bakul Dev. Unacademy Studios Placebo पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और हम यानी कि टीम Placebo आप सब लोगों के लिए डेली इस प्लेटफॉर्म पर 10 से 12 घंटे के लिए 10 to 12 आवर्स लाइव सेशन ले रहे हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में आपका पूरा सिलेबस हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं और जो कॉन्टेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है वो पूरी तरह से वेरीफाइड और प्रिसाइज्ड कंटेंट है, जिसके बाद आपको किसी भी और कंटेंट की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी. तो नीट का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर अपना डिग्री पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चों ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको होना चाहिए. ये वो जगह है जहाँ पर आपको रूटीनली सारे के सारे सेशंस अटेंड करने चाहिए सभी एजुकेटर्स के. ठीक है, तो जुड़े रहिए टीम Placebo के साथ में, अनअकैडमी स्टूडियोज Placebo के साथ में. आगे चले, ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कर लो बच्चों जल्दी से. इस ग्रुप पर लगभग 2700-800 के आसपास स्टूडेंट्स अभी इकट्ठा हैं और इस ग्रुप पर पीरियोडिकली सभी तरह के नोटिफिकेशंस यानी कि स्टूडियोज Placebo पर जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर पोस्ट की जाती है. एक एक सेशन के लिंक यहाँ पोस्ट किए जाते हैं जिससे आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर जो स्पेशल क्लासेस हम लेते हैं या जो कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी जाती है. तो जल्दी से इसको भी आप इंस्टॉल कर लें एप्लीकेशन को. सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद में ये लिंक आपको टाइप करना है URL में, दैट इज t.me/NEET Placebo, और फिर उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक कर देना है. यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और आपके पास भी सारे के सारे नोटिफिकेशंस पीरियोडिकली आते रहेंगे. अनअकैडमी प्लस जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है. अब जितना वक्त हमारे एग्जाम में बचा है उस वक्त को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, 100% एफिशिएंसी से यूटिलाइज करने के लिए आपको एक 24/7 सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जो कि आपको आपके ही तरीके से बेनिफिट दे सके, यानी कि आप जिसको पर्सनलाइज्ड मैनर में, जिससे आप जिस प्लेटफॉर्म से लर्निंग कर सकें, चीज़ों को सीख सकें. और ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाता है बच्चों अनअकैडमी प्लस, विच इज़ अ वंडरफुली क्राफ्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग नीट. इस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त 40 जबकि मैं कहूँगा 45-45 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया से आपके लिए कंटिन्यूअसली लाइव सेशंस ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं और डेली 30+ आवर्स के लाइव सेशंस यहां पर चलते हैं. तो आपके पास में एजुकेटर का चॉइस है, मतलब आप 40-45 टॉप एजुकेटर्स में से अपने फेवरेट 4, 5, 6, 7 जो भी आप पिक करना चाहें, या आप टॉपिक वाइज एजुकेटर भी पिक कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमें इनसे पढ़ना है, ये टॉपिक हमें, ये चॉइस आपके पास में है. और ये एक बहुत बड़ा पावर है आपके पास में. प्रिसाइजली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कहाँ पढ़ना है, फिजिकल कहाँ पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कहाँ पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहाँ पढ़ना है, जेनेटिक्स किससे पढ़ना है, आ रही बात समझ में, मैकेनिक्स किससे पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोस्टेट किससे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब आप अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं. और जितनी भी एडिशनल चीज़ें किसी भी और प्लेटफॉर्म पर चलती हैं वो तो इस पर हैं ही. जैसे वीकली क्विज होता है, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा क्विज होता है, मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो सारे के सारे लाइव चलते हैं ऑनलाइन, सारे बच्चे अपीयर होते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, क्लासेस डिस्ट्रैक्शन फ्री, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल एक क्लासरूम का जो डेकोरम मेंटेन होना चाहिए उसी तरीके का. PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल रहे हैं हर क्लास के बाद में. कोई सेशन मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं. ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन डाउट रिमूवल का जो प्रोसेस है, जो सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट है लर्निंग के प्रोसेस का, वो इन लाइव क्लासेस के साथ में एसोसिएट होता है. और ये दोनों, अगर मैं कहूँ बायोलॉजी की या जूलॉजी की लैंग्वेज में, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करते हैं. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को एनहांस करते हैं. जितना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ही आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा उतने ज़्यादा आपके पास डाउट्स आएंगे, और जितने डाउट्स आएंगे उतने ज़्यादा आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी. ये फैसिलिटी आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस पर. तो क्विजेज एंड टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, हर चौथा क्लास यहाँ डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन होता है, लाइव क्लासेज एंड पर्सनलाइज ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह.
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, और 40 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं इनको सबको, ये आपके लिए कंटिन्यूसली क्लासेज ले रहे हैं। तो बच्चों जल्दी से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो, ये बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इतने एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। आपको करना बस ये है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, प्लस के लिंक को प्रेस करो, और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन वाले बार को क्लिक करो, जब बहुत सारे प्लान आपके सामने ओपन हो, और आप अगर अभी 12th में हैं या रिपीट कर रहे हैं तो आपको सीधे 12 मंथ प्लान ले लेना है, आप 11th में हैं तो 24 मंथ प्लान आपको ऑप्ट कर लेना है। ये इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान से हमें बेनिफिट भी होता है, हम कुछ गेन प्रॉपरली कर सकते हैं, और वो फाइनेंशियली भी सबसे ज़्यादा मुझे यूँ कहना चाहिए सस्ता प्लान होता है। तो जैसे एक साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, इसका फीस है 30,000 रुपये। ये कोड इस्तेमाल ज़रूर कीजिए BD Live, इसको इस्तेमाल करने पर आपकी फ़ीस आ जाएगी 27,000, यानी कि 3,000 रुपये इस पर आपको ऑफ मिलेगा, 10% इंस्टेंट ऑफ। और अगर आप 11th में हैं तो आपको 2-year सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट करना है, जिसका फ़ी है बच्चों 48,000। ये कोड याद रखिए BD Live, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये 10% ऑफ होगा और आपका फ़ी हो जाएगा 43,200। और 43,200 का मतलब है 2,000 रुपये पर मंथ से भी कम, जिसके अगेंस्ट आपको 45 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स, 30 घंटे से ज़्यादा के लाइव क्लासेस, क्विजेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF फॉर्मेट में नोट्स, डाउट सेशन, सब कुछ मिल रहा है। तो बिल्कुल भी इस पर देर मत कीजिए, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। चलिए जी, तो कंसेप्चुअल MCQ का जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें आज हम एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बच्चों। शांतनु कह रहे हैं व्हाट इज ओरिएंटल रियल्म, अभी आते हैं बेटा एक मिनट रुको। रेशमा वालेकुम अस्सलाम, शांतनु, विशाल बत्रा, रिया मेगन, जितेंद्र यादव, अताउल रहमान, MD तौकीर आलम, मोहम्मद तौकीर आलम, अनिक सरकार, धर्मेंद्र कुशवाहा, लिपुन पांडा, श्रीजा, निहारिका कश्यप, जितेंद्र यादव। ओरिएंटल रियल्म हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, आप पीछे जाकर अगर लाइब्रेरी में वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा 100%। प्रतीक, अनेक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। देखो आज के क्विज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो छोटे से दिखाई देंगे आपको, कंसेप्ट होगा उनमें कोई ना कोई, तो ऐसे तुरंत जंप मत कीजिएगा, तुरंत मतलब आंसर देने की जल्दी में मत पड़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं तरीका बताता हूँ आपको, हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, यू जस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन विद यू, एक पेपर और पेन साथ में रखिए, नोटिफाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या रिप्लाई किया, उसका सही आंसर क्या था, आपका क्वेश्चन वो सही हुआ या नहीं हुआ, इसको आप नोट कीजिए। आ रही है बात समझ में? वो क्वेश्चन कौन सा था ये तो आप कभी भी जा करके देख लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर में, लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे, तो ये अभी कीजिए आप लाइव क्लास में। पिक अ पेन, पिक अ पेपर, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उसे रखिए, एक लिस्टिंग कीजिए, लिस्टिंग का मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, योर रिप्लाई एंड द आंसर, लास्ट में आप उसको देखेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए, थोड़ा सिंसियरली टेस्ट में अपियर हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल एक रैंडमली अपियर हो गए, कोई क्वेश्चन कर लिया कोई नहीं किया, ऐसा मत करो, पूरी सिंसियरिटी के साथ क्विज में अपियर हुआ करो, पूरी सिंसियरिटी के साथ में क्वेश्चंस दिया करो, ठीक है ना। कुछ बच्चे देते भी हैं जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारे बच्चों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ ठीक है, वक्त आपको मिलेगा पूरा, एक मिनट नहीं, एक मिनट से भी ज्यादा वक्त लीजिए, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन अपने आप को असेस कीजिए कि एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए आज हम 25 या 30 या 35 जो भी क्वेश्चन, एज्यूम करो 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए, आपने इन 30 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने सही थे कितने गलत थे, एग्जैक्टली आपका स्कोर क्या रहा, यू शुड नो, तभी तो कुछ आप आगे चीज कर पाएंगे, रिकॉर्ड तो होगा आपके पास, एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए, जो क्विजेज यहाँ पर चलेंगे उनके सबके आप रिजल्ट लिखते जाइए, और किसी पेपर में लिख देंगे तो वो पेपर भी आप फेंक देंगे, एक रजिस्टर या कॉपी मेंटेन कर लीजिए, जब भी हम क्विज करते हैं आप उस प्रोसेस को अडेप्ट किया कीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, रीड केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्रिप्टिव ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स, फर्स्ट रेडियल क्लीवेज, सेकंड डिटर्मिनेट क्लीवेज,
Third, enterocoelous formation of the body cavity. Four, blastopore develops into anus. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ड्यूटेरोस्टोम्स का करैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा फीचर ड्यूटेरोस्टोम्स का नहीं है. चलिए बताइए. रिया और अनुराधा का कहना है थ्री. थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को आंसर इसका आता भी नहीं हो, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैं समझाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप अपने रिप्लाई दे दीजिए. हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो उसको अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना. आप छोड़ भी सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू. चलिए मैं एक्सप्लेन ही किए देता हूं इसे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन में. लेट मी एक्सप्लेन इट. देखो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं उससे पहले, बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, मैं समझाता हूं ये क्या है. डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना. ऑन द बेसिस ऑफ fate of blastomeres, cleavage is of two types. यानी blastomeres का फेट क्या होगा, इस बेस पर क्लीवेज दो तरह का होता है. कौन कौन सा? डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट. अब ध्यान से इसका मतलब समझना, ठीक है. सुनो, डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या है, ये आपका एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो का मतलब मोरूला बन गया, और इस केस में भी मोरूला बन गया, यहां भी मोरूला बना. अब मीनिंग समझो, ध्यान से समझना सारे बच्चे. डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है कि क्लीवेज के तुरंत बाद ये जो ब्लास्टोमियर्स बने, ये क्या है हमारे ब्लास्टोमियर्स, इन ब्लास्टोमियर्स का फेट डिटरमाइन हो गया. इमीडिएटली आफ्टर क्लीवेज द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स डिटरमाइंड. इसका मतलब क्या हुआ, जिन एनिमल्स में डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है उनमें क्लीवेज के बाद अगर कुछ सेल्स हटा दें एम्ब्रियो में से, तो फिर इसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन सेल से जो भी स्ट्रक्चर बनना होगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि क्लीवेज के तुरंत बाद सेल्स का फेट डिसाइड हो गया. सेल्स का जो भविष्य है, ब्लास्टोमियर्स का जो भविष्य है, वो निर्धारित हो गया कि पहले सेल से क्या बनेगा, दूसरे से क्या बनेगा, तीसरे से क्या बनेगा. इट हैज बीन फिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर क्लीवेज. जबकि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है बच्चों, इस वक्त तक फेट डिसाइड नहीं हुआ. फेट कब डिसाइड होगा? फेट नॉट डिसाइडेड येट. फेट कब डिसाइड होगा? फेट डिसाइडेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स. जब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बन जाएंगे तब ये डिसाइड होगा, ठीक है. क्लियर है ना बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ
Fate of blastomere is determined immediately after cleavage. In that case, the cleavage is known as determinate cleavage. Or is tarike ka cleavage lower phyla mein milta hai. Poriferencial entrate, platyhelminths, in mein milta hai. Aur indeterminate cleavage ka matlab hai cleavage ke baad jo blastomeres banenge, un blastomeres ka fate abhi decide nahi hua hai. अभी अगर इसमें से हम आधे सेल अलग कर दें एम्ब्रियो में से तो भी एम्ब्रियो नॉर्मली ही डेवलप होगा. उस एम्ब्रियो में किसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि अभी सारे के सारे स्टेल हमारे प्लूरिपोटेंट हैं. सारे सेल स्टेम सेल हैं. समझ आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, आंसर तो इसमें होगा ये कि ड्यूटेरोस्टोम्स में डिटर्मिनेट क्लीवेज नहीं होता, क्लीवेज होता है इनडिटर्मिनेट. पहली बात तो ये समझा दूं आपको. अब दूसरा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं आपका. बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि अगर रेडियल क्लीवेज होगा तो सिमेट्री रेडियल होगी, अगर बाइलेटरल क्लीवेज होगा तो सिमेट्री बाइलेटरल होगी. ऐसा कंफ्यूजन है ना आप सब लोगों को? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. रेडियल क्लीवेज का मतलब क्या है? रेडियल क्लीवेज का मतलब है कि क्लीवेज के बाद सारे के सारे सेल रेडियल मैनर में अरेंज्ड हैं. उस ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री रेडियल होगी या नहीं इस बात से लेना देना नहीं है इसका. द टाइप ऑफ क्लीवेज हैज नथिंग टू डू विद द सिमेट्री ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म. आई रिपीट, द टाइप ऑफ क्लीवेज हैज नथिंग टू डू विद द सिमेट्री ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म. When I say radial cleavage, it means immediately after cleavage, cells will be radially arranged in the embryo. That's all. That is the meaning of radial cleavage. ठीक है ना? अनुराधा यही तो बता रहा हूं बेटा. समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो. अगर क्लीवेज रेडियल है तो ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री रेडियल हो ये जरूरी नहीं है. क्लीवेज रेडियल का मतलब हो गया क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर रेडियल मैनर में अरेंज हुए. अभी तो बहुत शुरुआती फेज है एम्ब्रियो का, सिमेट्री तो बहुत बाद में जाके डेवलप होगा. अभी तो केवल ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट देख रहे हैं हम, दैट्स ऑल. अब उन ब्लास्टोमियर से एम्ब्रियो कैसा बनेगा, फिर और डेवलपमेंट कैसे होगा, एडल्ट कैसे बनेगा, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी. ब्लास्टोमियर रेडियली अरेंज्ड है तो रेडियल क्लीवेज, ब्लास्टोमियर बाइलेटरली अरेंज है तो बाइलेटरल क्लीवेज. बट इट डजंट मीन कि रेडियली अरेंज्ड है तो वो ऑर्गेनिज्म रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगा बड़ा होके, इसका मतलब ये नहीं है. ठीक है, चलो ये कुछ चीजें मेरे को एक्सप्लेन करनी थी इसमें जो आपको समझ में आ गई होंगी. एंटरोसिलोम और ब्लास्टोपोर डेवलप इंटू एनएस, ये दो तो सिंपल ऑप्शन थे. चलो आगे चलता हूं. अब जिसको भी दिक्कत आ रही है वो रिफ्रेश कर लो क्योंकि यहां से नेटवर्क ओके है. क्वेश्चन नंबर टू, सम पैरासाइट्स रिक्वायर टू हॉस्ट्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिकॉज. कुछ पैरासाइट्स को दो अलग अलग हॉस्ट की जरूरत होती है या दो से ज्यादा भी हॉस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, द पैरासाइट कैन नेवर बी एंडेंजर्ड ऑफ बींग एक्सटर्मिनेटेड इन वन हॉस्ट, they cannot carry on both sexual and asexual cycles in the same host, none of the above. बताओ, ध्यान से पढ़ लो और फिर रिप्लाई करो. पढ़ लिया सबने? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं थ्री, बहुत सारे कह रहे हैं वन, बहुत सारे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फोर.
चलो और सोच लो थोड़ा. देखो ये एक तरीके का, सुनो, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होना एक तरह का एवोल्यूशनरी एडवांस्ड फीचर है, और एवोल्यूशन में कोई भी फीचर अगर एडवांसमेंट में आएगा तो उसका बेसिक पर्पस होता है सर्वाइवल का. एक से उनको बेनिफिट क्या है, जिनमें एक से ज़्यादा हॉस्ट होते हैं लाइफ साइकिल में और जिनमें रिजर्वोयर हॉस्ट भी होता है लाइफ साइकिल में, उन पैरासाइट्स के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कोई एक होस्ट अगर एलिमिनेट भी हो जाए बाई एनी मीन्स तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे. तो अगर दो या दो से ज़्यादा हॉस्ट हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, दे कैन नॉट कैरी बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल्स इन द सेम हॉस्ट, बट द क्वेश्चन इज देयर इज नो नीड टू डू सो. ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. बहुत से पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल स्टेज होता ही नहीं है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल स्टेज भी नहीं होता. भाई जिसमें भी दो अलग अलग हॉस्ट होते हैं ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट होंगे लाइफ साइकिल के. इट इज़ नॉट लाइक दिस. वो तो लार्वल स्टेजेस, जैसे टीनिया सोलियम है, तो टीनिया सोलियम में ऐसा थोड़ी होता है कि सेक्सुअल स्टेज ह्यूमन में कंप्लीट हो रहा है और एसेक्सुअल स्टेज पिग में हो रहा है. इट इज़ नॉट लाइक दिस. उसकी बॉडी में, उसमें एसेक्सुअल तो लाइफ साइकिल होता ही नहीं है कुछ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया, ग्रेविड प्रोग्लोटिड में लार्वा बन गया. अब लार्वा का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है, कुछ पिग की बॉडी में जाके डेवलप होता है, और ऐसे करके साइकिल पूरा हो जाता है. तो दिस कैन नॉट बी द रीज़न कि एक हॉस्ट तो एसेक्सुअल स्टेज के लिए चाहिए, दूसरा सेक्सुअल के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों स्टेजेस होते ही नहीं है, केवल सेक्सुअल स्टेज ही एग्जिस्ट करता है, बावजूद उसके दो हॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, दो अलग अलग हॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द पैरासाइट कैन नेवर बी एंडेंजर्ड ऑफ बीइंग एक्सटर्मिनेटेड इन वन हॉस्ट. एक हॉस्ट अगर एलिमिनेट हो भी गया तो वो पैरासाइट सर्वाइव करेगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. दैट इज द बेनिफिट. हाँ तो मलेरियल प्रोटोजोन है. मैं आप अगर आपने सुनो कंफ्यूज मत हो, अगर आपने ये ऑप्शन पिक किया तो फिर आप इस ऑप्शन को टीनिया सोलियम पर कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ यू विल अप्लाई इट ऑन टीनिया सोलियम? देयर इज नो वे. और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एसेक्सुअल स्टेज होता ही नहीं है, फिर भी दो अलग अलग हॉस्ट चाहिए. तो दिस कैन नॉट बी द वैलिड रीजन. कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं हो सकता है. द वैलिड रीजन इज दिस वन, दैट इज द एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन. दो या तीन या चार, जितने ज्यादा हॉस्ट होंगे लाइफ साइकिल, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पैरासाइट के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे. चलो चलो जी आगे चलते हैं. द एक्सक्रीशन इन अमीबा प्रोटियस टेक्स प्लेस मेनली बाय. अमीबा में एक्सक्रीशन कैसे होता है? ये इजी क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई जल्दी से कर देना चाहिए आपको. जल्दी बता दो जल्दी. कंफ्यूजन हो सकता है आपको, पर क्वेश्चन इजी है. हिमानी बेटा आपने क्या आंसर दिया? स्यूडोपोडिया. मुझे पता था कि कंफ्यूजन होगा. और बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बट डू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर नॉट फॉर एक्सक्रीशन, दे आर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. As far as excretion and respiration concerned, हमने साफ साफ लिखा हुआ है ये, और शुरू में हमने जब पढ़ा था तो clearly इसको indicate किया था. और आज सुबह आपको याद हो
तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, उसमें एवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें मैंने मेंशन किया था कि प्रोटोजोआ से लेकर के और एनेलिडा तक रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, जनरलाइज्ड बॉडी सरफेस से होता है। वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है अप टू टीनोफोर, प्लेटी एलमेंथीज में पहली बार फ्लेम सेल अपीयर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज जनरल सरफेस फर्स्ट, ठीक है ना। ये सिली मिस्टेक है आप लोगों की, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा ध्यान से देखते तो आपको ये समझ में आ जाता। चलो आगे चलें। काला आजार इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स, टीनिया सोलियम ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड पोर्क, लीशमैनिया डोनोवानी ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। चलो जी बताओ, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन और फिर रिप्लाई करो। अताउल रहमान, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब नहीं पता आपको? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बॉडी में सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, इस बार आंसर ज्यादातर बच्चों के सही आ रहे हैं। मैं सबके बारे में लिख देता हूं। यहां ये डिजीज जो है ये होता है स्लीपिंग सिकनेस, वुचरेरिया से हो गया आपका एलिफेंटियसिस, टीनिया सोलियम ट्रांसमिटेड बाय पोर्क, इससे हो गया आपका टीनियसिस, और इससे हो गया आपका काला आजार। सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो जी द डाइजेशन इन ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया में डाइजेशन कैसा होता है? इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रासेल्यूलर, होलोजोइक। बताओ ल्यूकोसोलेनिया में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? अनुराधा, रिया, अताउल रहमान, निहारिका, जितेंद्र यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, शांतनु, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफी सारे बच्चों ने ठीक रिप्लाई दे दिया है। ल्यूकोसोलेनिया इज अ स्पंज माने पोरिफेरा, और पोरिफेरा में डाइजेशन होता है आपका इंट्रा सेल्यूलर, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी ठीक है, काफी सारे बच्चों ने सही दिया है। व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पंजेस विदाउट एक्सेप्शन, मतलब ऐसा करेक्टर जो सारे स्पॉन्जेस में मिले जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। पढ़ो अच्छे से और फिर रिप्लाई करो। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन। They have a mixed skeleton consisting of spicule and spongin fibers. They have flagellated collar cells. They all are marine. They reproduce sexually by budding. ठीक है, वन और टू में कंफ्यूजन चल रहा है आपको, मतलब कुछ बच्चों को वन लग रहा है, कुछ बच्चों को टू लग रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव अ मिक्सड स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर, लेकिन सब में स्पाइक्यूल नहीं होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ में केवल स्पाइक्यूल होते हैं, कुछ में स्पॉन्जन फाइबर होते हैं, कुछ में दोनों भी होते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्पंज में स्पाइक्यूल भी प्रेजेंट हो और स्पॉन्जिन फाइबर हो, ऐसा नहीं होता. दे ऑल हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा का. दे ऑल आर मरीन वाटर्ड, ये गलत है क्योंकि फ्रेश वाटर्ड स्पंज भी होते हैं. इनफैक्ट स्पॉन्जिला उसका एग्जाम्पल है. दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई बडिंग, नो, बडिंग तो होता ही नहीं है इनमें, गेम्यूल फॉर्मेशन होता है जिसके लिए स्पेसिफाइड टर्म है इंटरनल बडिंग, और वो भी सब में नहीं होता है, केवल अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से. रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन एनिमल्स विच हैव सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग, आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, लिव इन वाटर, हैव वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. चलो जी, इजी है क्वेश्चन, इजी, और जल्दी से आप बता सकते हैं. रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन एनिमल्स इन विच ओंकार माली यूज पेंजिया फ्रेश वाटर का नहीं होता है, यूज पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं, है वो मरीन वाटर्ड, ठीक है ना, फ्रेश वाटर्ड स्पॉन्जिला है, नॉट यूज पॉन्जिया. 4, 3, 2 तीनों ऑप्शन आ गए मेरे पास में. सिमेट्री वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था ना बच्चों, तो उसमें स्पेसिफिकली हमने ये डिस्कस किया था कि रेडियल सिमेट्री इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर सेसाइल, जो परमानेंटली सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलता है यूजुअली, उनके लिए वो बेनिफिशियल भी है. आ गई बात समझ में? सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये आपको अच्छे से याद रखना है. अब आप कहेंगे कि थर्ड क्यों नहीं है, फाउंड इन दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर, तो वाटर के अंदर तो ब्लू व्हेल भी होता है उसमें रेडियल सिमेट्री तो नहीं होता, वाटर में तो फिश भी होता है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होता, वाटर में तो बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एसिमेट्रिकल भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि रेडियल सिमेट्री हो. अच्छे से याद रखिए, रेडियल सिमेट्री डेवलप हुआ तो वो सेसाइल ऑर्गेनिज्म्स के बेनिफिट के लिए हुआ, क्योंकि एक एंड से ऑर्गेनिज्म अपने आप को चिपका सकता है सबस्ट्रेटम से, दूसरा एंड उसका फ्री रहेगा जिस पर से वाटर फ्लोट करेगा, मूव करेगा, और उसमें से वो अपना फूड जो है वो पिक करते रहेंगे. ठीक है ना, फर्स्ट क्यों नहीं है, हैव सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग. सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग का रेडियल सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है. सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग तो बहुत ऑर्गेनिज्म में मिलती है, फिल्टर फीडिंग जिसको हम कहते हैं, दैट इज फाउंड इन मैनी ऑर्गेनिजम्स, इट हैज नथिंग टू, इसको सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है. सिमेट्री से लेना देना केवल इसका है, और ये एक स्टेटमेंट है स्पेसिफिक, मतलब एक थंब रूल की तरह जिसको याद कर लो, रेडियल सिमेट्री इज बेनिफिशियल फॉर सेसाइल. शिस्टोसोमा इज नोन एज, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, ब्लड फ्लूक, चाइनीज लिवर फ्लूक, डॉग टेपवर्म, लंग फ्लूक, बहुत ही सरल प्रश्न आ गया है ये तो बीच में. चलो बता दो जल्दी से, बता दो. शाबाश, आज के क्विज का मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन यही है, और ये तो सबको सही बताना चाहिए, कोई गलत आंसर आना नहीं चाहिए मेरे पास में, पहले ही बता देता हूं. बस मैं यही देख रहा हूं कि कोई गलत देता है कि नहीं रिप्लाई. हितेश गर्ग, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, मैं देखना चाह रहा था कौन बच्चे गलत रिप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका रिप्लाई तो सब बच्चे सही देंगे. अताउल रहमान और हितेश गर्ग, बेटा ध्यान से याद करो, अभी तक केवल दो ही बच्चे हैं जिन्होंने गलत रिप्लाई किया है. शिस्टोसोमा इज नोन एज ब्लड फ्लूक, द आंसर इज दिस. अब मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन है. डॉग टेपवर्म कौन होता है, इकाइनोकॉकस. चाइनीज लिवर फ्लूक कौन होता है, क्लोनोर्किस. लंग फ्लूक होता है पैरागोनिमस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट,
इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होता है। चलो आगे चलते हैं। नाउ सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू सिमेट्री। सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए आपको ऑड ऑप्शन पिक करना है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनालेडा, एकाइनोडर्मेटा। इजी है क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, चिंता मत करो। कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जिसको हम इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। हितेश गर्ग, आप कह रहे हैं सर मैंने तो अपना नाम सुनने के लिए गलत किया था। चलो कोई बात नहीं, ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू सिमेट्री। इसमें ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई आ गया है मेरे पास में, कुछ बच्चों ने गलत किया है, मैं बताए देता हूं आपको। और इसमें अब ऐसी बातें मत करना मेरे से कि लार्वा और एडल्ट और ये सब बातें मत करना। सीलेंट्रेटा रेडियल, टीनोफोरा रेडियल, कौन सा रेडियल होता है ये नहीं कह रहे हम। इकाइनोडर्मेटा रेडियल, एनेलिडा बाइलेटरल, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अच्छी तरह से याद रखना इस तरीके के प्रश्न अगर दिमाग में अवतरित हो किसी बच्चे के, है ना, दिमाग के अंदर डाउनलोड हो जाए बाय चांस। कई बार कुछ चीज़ें गलती से डाउनलोड हो जाती है ना कि भाई इकाइनोडर्मेटा में लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है सर, तो इकाइनोडर्मेटा कैसे आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे जब लार्वा के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो लार्वा लिखा जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि फ्रॉग एम्फीबियस होता है या एक्वेटिक, तो आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे कि फ्रॉग एम्फीबियस होता है। अब मैं पूछूं क्यों होता है साहब, फ्रॉग का लार्वा तो एक्वेटिक होता है ना, तो आपने एडल्ट का आंसर क्यों दे दिया? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसको उसी रेफरेंस में देखा करो, है ना, अल्ट्रा प्रिसीजन पर जाकर के कि लार्वा, फिर लार्वा से और पीछे चले जाओ तो कभी ना कभी एसिमेट्रिकल भी रहा होगा ना वो एम्ब्रियो, ऐसी बातें मत सोचा करो। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। ये करेक्टर्स पढ़ो और बताओ कि कौन सा करेक्टर पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक नेचर, जिलेटिनस लेयर बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नर्व सेल। ज्यादातर बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। देखो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं। पोरीफेरा में बाहर वाला लेयर पिनेकोडर्म, अंदर वाला कोइनोडर्म कहलाता है। सिलेंट्रेटा में बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला गैस्ट्रोडर्मिस, तो डिप्लोब्लास्टिक तो है, ये तो ठीक है बिल्कुल। ए जिलेटिनस लेयर बिटवीन आउटर एंड इनर, पोरीफेरा में पिनेको और कोइनोडर्म के बीच में मीजेनकाइम मिलता है, जिलेटिन से ही बना होता है। सिलेंट्रेटा में एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मीजोग्लिया होता है, वो भी जिलेटिनस होता है, दैट ऑल्सो इज करेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ठीक है, पोरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला पेरेन्काइमुला लार्वा बनता है और सिलेंट्रेटा में आपका प्लेनुला लार्वा बनता है, सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। नर्व सेल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नर्व सेल केवल सिलेंट्रेटा में होता है, पोरीफेरा में नहीं होता। ठीक है ना, चलो फाइंड द करेक्ट मैच। अब लगा लो अपना दिमाग,
bilateral symmetry larva of asterius, biradial symmetry larva of amphibians, radial symmetry larva of sea urchin, spherical symmetry larva of mollusca. अब लार्वा लिखा हुआ है इसमें साफ साफ. अब देखो जरा बताओ. विक्रमांक प्रताप सिंह कह रहे हैं 3, अनुराधा कह रही है 1. मतलब तुमसे जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कौन सी होती है, हैं, तब तो सबके दिमाग का जो साइंटिस्ट मोड एक्टिव हो जाता है, सब वैज्ञानिक बन जाते हैं कि सब लार्वा के अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है. और जब लार्वा पूछा जा रहा है, साफ साफ लिख रखा है लार्वा, तो उसमें रेडियल सिमेट्री किए जा रहे हो, हैं. सी अर्चिन क्या है? व्हाट इज सी अर्चिन? इकाइनोडर्म. तो एकाइनोडर्म के लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना, रेडियल सिमेट्री कहां से आ जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा ऑफ एस्टेरियस. एस्टेरियस कहते हैं स्टारफिश को, ठीक है. बाइरेडियल सिमेट्री इन लार्वा ऑफ एम्फीबियन. आंसर तो इसमें यह है, पहले ही बता देता हूं. स्टारफिश का मतलब हो गया आपका एकाइनोडर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. बाइरेडियल सिमेट्री इन लार्वा ऑफ एम्फीबियंस, नो. रेडियल सिमेट्री इन लार्वा ऑफ सी अर्चिन, नो. एडल्ट में होती है. स्फेरिकल सिमेट्री इन लार्वा ऑफ मोलस्का, नो. सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो आगे चलते हैं. अब फिर से ध्यान से पढ़ना. क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किसमें मिलता है? क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किसमें अपियर होता है? एस्टेरियस, पाइला, आर्किट्यूथिस, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. बताओ जरा. किसी को नहीं पता? अरे देखो जरा, देखता हूं किसी को तो आंसर पता होगा. कुछ बच्चों ने बताया है, चलो ठीक है. एस्टेरियस का मतलब हो गया स्टारफिश, स्टारफिश का मतलब हो गया एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा में हीमल एंड पेरी हीमल सिस्टम होता है, विच इज सिमिलर टू ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. पाइला का मतलब हो गया एप्पल स्नेल, स्नेल का मतलब हो गया आपका मॉलस्क. मॉलस्का में ओपन होता है एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स. आर्किट्यूथिस इज स्क्विड, जाइंट स्क्विड. ये भी है तो मॉलस्का ही, लेकिन मॉलस्का में ये सिफेलोपोडा में आता है, और सिफेलोपोडा एक्सेप्शन है जिसमें क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना तो कॉकरोच है, आप जानते ही हैं, इसमें ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, ठीक है ना. चलो, ट्यूब विद इन ट्यूब फर्स्ट एवोल्व्ड इन. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सबसे पहली बार किसमें इवॉल्व हुआ? दैट इज द क्वेश्चन. देख लो, अच्छे से देख लो क्वेश्चन.
बिल्कुल ठीक है. देखो टेपवर्म में तो मुझे ये कहना चाहिए कि ब्लाइंड सैक टर्म भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होता, गट नहीं होता. फ्लूक्स में होता है आपका ब्लाइंड सैक. अर्थवर्म में भी ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, लेकिन सबसे पहले ट्यूब विद इन ट्यूब किस में आया? राउंड वर्म. इट इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड वर्म्स. ठीक है, राउंड वर्म तो अर्थवर्म से पहले आ गए ना, एस्केल्मिंथीज. चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सही रिप्लाई कर पाता है. अरस्तूज लैंटर्न इज फाउंड इन सी अर्चिन. इट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. इस चीज पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या होता है, किस में मिलता है. अमूमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अरस्तूज लैंटर्न इज फाउंड इन, द आंसर इज सी अर्चिन. अब यहां आपको ये बताना है कि ये क्या है, किस सिस्टम का पार्ट है. अमान मलिक कह रहे हैं 3, डॉक्टर गुलाटी का कहना है 4 माने सर्कुलेटरी सिस्टम, रामू गुप्ता का कहना है 2, अनुराधा का कहना है 2, जैनुल आंसर 2 बेटा, तुषांत चौधरी का कहना है सी. कहने का मतलब सभी तरह के आंसर्स आप लोगों ने दे दिए हैं. देखो ये बेसिकली एक मेस्टिकेटरी स्ट्रक्चर है. आई शुड राइट इट डाउन. मेस्टिकेटरी स्ट्रक्चर. अब मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, च्यूइंग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इट शुड बी अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सुधांशु हेलो बेटा. राउंड वर्म डिफर फ्रॉम फ्लैट वर्म इन हैविंग, ये भी जरा इजी क्वेश्चन है. बताओ ठीक है देते जाओ रिप्लाई, देते जाओ. ज्यादातर बच्चों के रिप्लाई सही हैं. चलिए कुछ चीजें तो आपको याद रहती हैं ठीक से. राउंड वर्म डिफर फ्रॉम फ्लैट वर्म इन हैविंग स्यूडो सीलोम. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो इनमें होता है और फ्लैट वर्म्स में नहीं होता. बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ध्यान से पढ़ना भाई. बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एनिमल्स बिलोंग टू. जिनमें ये सारे करेक्टर्स प्रेजेंट हों वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे ये आपको बताना है. तो जल्दी से बता दो बच्चों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये. सुधांशु ठीक है. अताउल रहमान कह रहे हैं 3, बाकी सब बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं 1. ठीक है, दैट इज ओके. इसमें बाकी सब चीजें नहीं होती, केवल इसी से आप पता कर लेते डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट वर्म जो है दैट इज प्लेटी हेलमेंथीज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो
Balanoglossus belong to hemichordata and characterized by all except. माने कि hemichordata में सारे character मिलेंगे एक को छोड़कर, वो कौन सा है आपको pick करना है. Hemichordates के character बताने हैं आपको. All characters are of hemichordates except one. एक को छोड़कर, वो कौन सा है बताओ जरा. डॉक्टर गुलाटी का कहना है तीन, रामू गुप्ता का कहना है चार, उज्जवल बिहारी का कहना है तीन, और डॉक्टर गुलाटी का फिर से कहना है चार, और रामू गुप्ता का फिर से कहना है चार. बार 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 कहते जाते हैं बच्चे. ओंकार का कहना है वन, रेशमा कह रही हैं थ्री, अनिक सरकार कह रहे हैं थ्री, विशाल बत्रा कह रहे हैं थ्री. चलो ओके देखो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट ये तो बिल्कुल ठीक बात है. एंटेरोसीरस सीलोम ये भी बिल्कुल ठीक बात है. बॉडी डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक ये भी ठीक बात है, लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है. द लार्वल स्टेज इज नोन एज टॉर्नेरिया, जैसा कि कुछ बच्चों ने अपने कमेंट में मेंशन भी किया है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी थ्री. और जिनको इस फोर्थ में कंफ्यूजन हो उनके लिए मैं यहां डायग्राम बनाए देता हूं कि ऑर्गेनिज्म इस तरीके का दिखाई देता है. ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, ये ट्रंक है. ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट रिटेन ऑल द थ्री बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स थ्रू आउट देयर लाइफ. कौन सा कॉर्डेट ऐसा है जिसमें बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स, अब इसमें थ्री बेसिक कॉर्डेट करेक्टर, वैसे तो फोर पढ़ते हैं ना हम, लेकिन यहां जो थ्री बेसिक कॉर्डेट करेक्टर उनका मतलब समझा दूं. पोस्ट एनल टेल को बहुत से लोग इंक्लूड नहीं करते, तो इसमें तीन चीजें जो है वो कौन कौन सी हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ये तीन है. अब बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट रिटेन ऑल थ्री बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ. बेलेनोग्लॉसस, एम्फियोक्सस, हर्डमैनिया, एम्फियोक्सस. अरे एम्फियोक्सस दो बार लिखा गया क्या? रुको, चेंज करता हूं इसको. चेंज क्या करना है, अगर हुआ तो बोनस दे देंगे. आप तो आंसर दो, कई बार ऐसा हो जाता है ना, मिसप्रिंट हो जाता है. बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है. एम्फियोक्सस किससे बिलोंग करता है बच्चों? सिफिलोकॉर्डेटा से. आंसर इसका होगा सिफिलोकॉर्डेटा, जो भी आ जाए. और सिफिलोकॉर्डेटा एग्जांपल होता है एम्फियोक्सस. सो दिस एज वेल एज दिस, वो एक ही ऑप्शन हो गया. ठीक है, तो ये दोनों आ गए इसमें. दोनों का मतलब एम्फियोक्सस इज द करेक्ट आंसर. इट वॉज अ मिसप्रिंट. ओके, मार्क द करेक्टर विच डिफरेंशिएट टेट्रापोड फ्रॉम पीसेस. टेट्रापोडा को फिशेज से कौन सा करेक्टर अलग करता है? प्रेजेंस ऑफ जॉ, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लिम्स, बोथ टू एंड थ्री. अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा. ये आप तब रिप्लाई कर पाएंगे अच्छे से जब आपको क्लासिफिकेशन का जो चार्ट हमने बनाया था ना कॉर्डेटा का, उसके शुरुआती चीजें याद होंगी, तो आप प्रॉपरली रिप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे.
अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं सबके। अभी चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, हैव अ लुक, मैं वो चार्ट आपके लिए वापस से बनाता हूं, देखना जरा। कॉर डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक क्रेनिया क्रेनिएटा, इनमें क्रेनियम नहीं था, इनमें क्रेनियम था, इसी को वर्टिब्रेटा भी कह दिया था हमने। फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया था, ए न था यानी जॉ नहीं, नेथोस्टोमेटा माने कि जॉ प्रेजेंट। फिर इनको दो में डिवाइड किया, पाइसेस टेट्रापोडा। अब देखना जरा ध्यान से, अभी समझ में आएगा आपको। प्रेजेंस ऑफ जॉ, तो जॉ तो इनमें सब में प्रेजेंट है, दिस इज जॉ, नेथोस्टोमेटा का मतलब जॉ, तो पीसीज में भी है, टेट्रापोडा में भी है, इट कैन नॉट बी अ डिफरेंशिएटिंग फीचर। प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, तो क्रेनियम तो वही सब में है, यहीं पर बन गया था क्रेनियम, इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लिम्ब, दैट इज करेक्ट, इनमें टू पेयर लिम्ब्स होते हैं, इनमें लिम्ब्स नहीं होते। सो थर्ड विल बी द आंसर, जो बच्चे कंफ्यूज हो गए वो इसको जरा सही कर लें, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया बेटा, वीडियो को सही तो चल रहा है, चलो। एम्फीबिया इज द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रेट क्लास बियरिंग फ्रेश वाटर फॉर्म्स, मार्क इनकरेक्ट वन विद रेफरेंस टू एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, क्यूटेनियस, ब्रेंकियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन प्रेजेंट, अंडरगो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। इजी है क्वेश्चन और आप रिप्लाई कर सकते हैं, सभी बच्चे इसका सही उत्तर दे सकते हैं। आप में सभी में वो कैपेसिटी है कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही रिप्लाई कर सकें, तो कोई भी बच्चा इसका रिप्लाई गलत नहीं देगा, ध्यान रहे। अब मैं देखता हूं जरा, अगर चारों ऑप्शन ध्यान से धीरे धीरे पढ़ लिए तो आप आंसर दे देंगे, जल्दबाजी में फंस गए तो गलत करेंगे। मुझे पता था कुछ बच्चे तो गलत आंसर देंगे ही। देखो इनका स्किन कैसा होता है, मेंढक को देखा है कभी, स्मूथ स्लिपरी, पकड़ने की भी कोशिश करेंगे तो फिसल जाएगा हाथ से। एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होते इनकी बॉडी में, फिशेज में जैसे होते हैं ना स्केल्स, वैसा नहीं होता है। सो दैट इज ओके। क्यूटेनियस ब्रेंकियल पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट इज ओके। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन इज प्रेजेंट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एमनियन की प्रेजेंस जो है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एमनियन केवल उनमें मिलता है जिनमें टेरेस्ट्रियल रीजन में पूरा लाइफ साइकिल चलता हो, जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल रीजन में ग्रो करते हो, ठीक है। डेवलपमेंट अगर वाटर में हो रहा है तो एमनियन की जरूरत नहीं है। सो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके लो, Which of the following has presence of fangs? Fangs का मतलब हो गया poison teeth जिनको कहते हैं। बता दो जल्दी से, ये तो बिल्कुल easy सा question है। Sand boa, अजगर, rattlesnake, red snake।
अनुराधा कह रही है 1 यानी सैंड बोआ, डॉक्टर गुलाटी कह रहे हैं 4 यानी कि रेड स्नेक, रोहन सिंह कह रहे हैं 3 माने कि रेटल स्नेक, अंकित सिंह कह रहे हैं 2 माने कि अजगर। अब मेरे पास तो सब सारे रिप्लाई आ गए, कोई रिप्लाई बचा ही नहीं है, आपने सारे यूज कर लिए, बताओ। क्रोटेलस या रेटल स्नेक, या अगर अब मैं यहां लिख दूं करैत, तो अब सारे बच्चे सही कर दोगे, और वैसे आपको पकड़ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चों ने तो अजगर दे रखा है आंसर, पायथन, बताओ। मतलब ऐसे क्वेश्चन में अजगर रिप्लाई करना, बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। बता तो दिया लिपुन रेटल स्नेक क्या है, फिर भी पूछे जा रहे हो। करैत को कहते हैं रेटल स्नेक, ठीक है ना, न्यूरोटॉक्सिन टाइप का पॉइजन होता है इसका। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। हार्डमेनिया बिलोंग टू यूरोकॉर्डेटा एंड नेम यूरोकॉर्डेटा टू द सब फाइलम इज ड्यू टू, इस सब फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा क्यों है? द क्वेश्चन इज हार्डमेनिया सब फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा क्यों है? देखो यूरो टर्म का मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा का मतलब है यहां नोटोकॉर्ड, तो कहने का मतलब यह है नोटोकॉर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड इन द रीजन ऑफ टेल एंड दैट ऑल्सो इन द लार्वा। एडल्ट में तो न तो टेल होता है न नोटोकॉर्ड होता है, दोनों डिसअपियर हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। However, the name urocordata appear or is used because of the fact that notochord is restricted only in the tail of larva. So third would be the correct option. ठीक है? चलिए तो अब बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उनको कल डिस्कस करेंगे। अब ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा आपका क्वेश्चन का जो सीरीज है, और डेली कुछ कंसेप्चुअल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब आप सारे बच्चे आज, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, आज हमने ये जो 22 या 23 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक बार के लिए देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए, कौन से गलत किए, अगर गलत किए तो उनका रीज़न क्या था, कुछ चीज़ याद नहीं थी तो उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक क्विज में अपीयर होने के बाद, एक टेस्ट में अपीयर होने के बाद, अगर आप में कुछ चीज़ें एड ऑन हो, आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें बढ़ें, तब तो उसका क्विज का, उस टेस्ट का बेनिफिट है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। रैंडमली क्विजेज में अपीयर होना और उनको बिल्कुल एनालाइज न करना और उसी मिस्टेक को साल भर रिपीट करते रहना, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच के साथ में अपने क्विज में अपीयर हुआ कीजिए, और ध्यान रखा कीजिए कि कहाँ क्या मिस्टेक हुई थी, जिससे अगली बार वो मिस्टेक हमसे न हो, वापस उस गलती को हम न दोहराएं, इसकी ज़रूरत है, इसकी कोशिश कीजिए। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छे से क्लियर हुई हैं, यू मस्ट प्रेस लाइक बटन, यू मस्ट सब्सक्राइब इट, यू मस्ट शेयर इट। इसके आखिर में आपको छोटा सा फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसको ज़रूर भरिए, और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड बाय एंड गुड डे।